आज किशोरों के वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी हम एक ऐसे सेंटर पर खड़े हैं जहां की किशोरों का वैक्सीनेशन मिल रहा है। अब है नहीं कह सकते क्योंकि वैक्सीनेशन का जितना यहां पर दिया जाता है स्लॉट रहता है 200 वैक्सीन मिलता है और 200 कंप्लीट हो चुके हैं। चूंकि बच्चे जो है जागरूक है, बच्चों में जागरूकता है, उनके अभिभावक में जागरूकता है और जो जो सेंटर पर जितने वैक्सीन की उपलब्धता कराई गई थी, जो आज के लिए वैक्सीन दिए गए थे, वो खत्म हो चुके हैं। जो लोग आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें से कि कितना वैक्सीन का डोज मिला था। जी, हमको 200 का डोज मिला हुआ था यहाँ पे संत लुइस के लिए, तो 200 डोज कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, बच्चे कब से आना शुरू हो जाते हैं? 10 बजे से ही बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, अभिभावक भी साथ में रहते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑन स्पॉट दोनों रहता है? दोनों रहता है जी, दोनों रहता है। ज्यादातर स्कूल के बच्चे हैं? जी, स्कूल के बच्चे हैं ज्यादातर। तो ज्यादातर स्कूल के बच्चे हैं और बच्चों में इतनी जागरूकता है, ये बेहद ही अच्छी खबर है। चूंकि कोरोना के संक्रमण के रोकथाम हेतु, कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु यह बेहद जरूरी है कि बच्चे आगे आए और जो है टीका लें। तो और भी यहाँ पर लोग आए हैं जिन्होंने वैक्सीन के लिए यहाँ पर अगर वैक्सीन की उपलब्धता हो जाएगी तो वैक्सीन ले पाएंगे, लेकिन ये लोग आए हैं और वैक्सीन यहाँ पर खत्म हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन सा डोज लेने आए थे? कोविशील्ड। अच्छा अच्छा, पहला या दूसरा? फर्स्ट। पहला। एज ग्रुप आपका क्या है, कितना एज क्या है आपका? एज हो गया 19 साल। 19 साल। हाँ, तो ये कह सकते हैं एडल्ट है, 18+ है, लेकिन जागरूकता की जागरूक नहीं है वैक्सीन को लेकर के। लेकिन अब सरकार के द्वारा जो जारी किए गए गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार इनको वैक्सीन लेना अनिवार्य हो गया है, तब जाकर के कहीं इनकी नींद खुली है, कहीं आँख खुली है। आप बताइए, आप अपना एज बताइएगा। 19 साल। 19 साल। वैक्सीन क्यों नहीं लिए? वैक्सीन के टाइम में जब मिल रहा था उस टाइम मेरा तबीयत खराब था, तो तबीयत खराब में नहीं ना लेंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी पहला डोज लेने आए। ठीक। कोविशील्ड ही क्यों, कोवैक्सीन क्यों नहीं? कोई भी मिल जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन कोई भी मिल जाए, खाली वैक्सीन मिलना चाहिए बस। तो आप ये जो है वैक्सीन की तलाश कर रहे हैं कि कहीं वैक्सीन मिल जाए, और कोई भी मिल जाए, कोवैक्सीन मिल जाए, कोविशील्ड मिल जाए, लेकिन कह सकते हैं कि अगर ये जागरूक होते तो शायद दोनों डोज ले लिए होते। आप कौन सा डोज और क्या एज ग्रुप क्या है आपका, पहले ये बताइए। 21 साल। 21 साल। हाँ, अभी तक डोज नहीं लिए हम। क्यों नहीं लिए? नहीं, ऐसा काम ही करते हैं कि हम लोग को छुट्टियां नहीं मिलता है, तो हम लोग अपना समय निकाल के अभी आए थे। हम लोग को पता था कि यहाँ मिलता है, तो वही सोच के हम लोग आए थे। हम लोग का अभी दूसरा काम था, बल्कि आप देखें अभी हम लोग दूसरा काम में निकले गए थे, लेकिन डोज लेने के कारण हम लोग यहाँ रुक के डोज लेने के लिए आए थे। तो कह सकते हैं कि हम तो आए थे किशोरों के जो वैक्सीनेशन हो रहे, किशोरों का जो टीकाकरण हो रहा है उसके लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ व्यक्ति मिल गए जिन्होंने अभी तक पहला डोज भी नहीं लिया है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए मैसेज है कि बच्चों से संदेश लेना चाहिए, किशोरों से संदेश लेना चाहिए, जो कि इतने जागरूक हैं, अभिभावक उनके इतने जागरूक हैं, बच्चे स्वयं जागरूक हैं, और कोरोना के संक्रमण को रोकथाम हेतु टीकाकरण बेहद ही जरूरी है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, असिस्ट न्यूज रांची।